हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मधु किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं तीखा और बहुत ही चटपटा सा मछली कैसे बनता है ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस तरीका से एक बार मछली तीखा और चटपटा सा बनाकर खा लेंगे ना, तो बार बार आप बनाकर खाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 6 छोटी रोहू मछली यहाँ पे ले लिया है, जिसको अच्छे तरीका से साफ करके पानी से अच्छे से धोकर रख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 गांठ लहसुन लिया है, 6 से 7 सूखी मिर्चा लिया है और 3 चम्मच पीला सरसों लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पीला सरसों ना हो या पसंद नहीं करते हो तो काला वाला सरसों आप डाल सकते हैं। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे और मिक्सिंग जार में ऐड करेंगे इन सारे खड़े मसालों को, और साथ ही में ऐड करेंगे 1 चम्मच पोस्ता दाना यानी कि पपी सीड। इससे मछली का टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। और आधे कप इसमें पानी डाल के इसका ढक्कन लगा के इन मसालों को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसालों को पीस लिया है और इन मसालों को बहुत ही स्मूथ पीस के तैयार किया है। आप देख सकते हैं दरदरा बिल्कुल नहीं पीसना है, हमें इसी तरह स्मूथ पीसना है। अब हम क्या करेंगे, मछली में ऐड करेंगे पीसी हुई मसाला 2 चम्मच, साथ ही में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्चा पाउडर। अब इन सारे मसालों को डालकर हाथों के हेल्प से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छे तरीक़े से मछली के ऊपर सब मसाले लगा लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देंगे मैरिनेट के लिए ढककर, और गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए अच्छे तरीके से तो उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच मेथी। जब मेथी हल्के चटकने लगे तो इसमें डाल देंगे एक एक करके मछली। मछली को फ्राई करके अगर हम बनाते हैं ना तो मछली हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम मछली को डालकर फ्राई करेंगे। इस टाइम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर मछली को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर गोल्डन लेयर ना आ जाए। तो एक तरफ से मैंने मछली को पलट दिया है, अब दूसरी तरफ भी हम इसे पलट देंगे, पलट कर फ्राई करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर मैंने मछली को खूब बढ़िया से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर गोल्डन लेयर भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, मछली को एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे रोहू मछली बना रही हूँ, आप कोई भी मछली इस तरीके से बना सकते हैं जो मछली आप पसंद करते हो। अब सभी फ्राई किया हुआ मछली को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, उसी तेल में बची हुई मछली को डाल के इसे भी हम फ्राई उसी तरीके से कर लेंगे। इस टाइम गैस के फ्लेम को हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पर ही सभी मछली को हम फ्राई करेंगे ताकि टूटे नहीं। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारा फ्राई मछली, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर में फ्राई हुआ है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और उसी तेल में 1 चम्मच और सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल अगर आपको पसंद नहीं हो तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हैं, जो आपको पसंद हो। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच पीला सरसों, 1 छोटी चम्मच मेथी, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 2 सूखी मिर्चा। इसे हल्के चटकने देंगे। जब ये चटकने लगे तो इसमें डाल देंगे पिसी हुई मसाला जो मैंने मिक्सिंग जार में पीस के रखी थी, और साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच मिर्चा पाउडर। मिर्चा पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आप खाते हो तीखा, जितना आपको तीखा पसंद हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे चलाकर मिक्स करेंगे। मिक्सिंग जार में थोड़े से मसाले रह गए थे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इन्हें क्लीन करते हुए इसमें ऐड कर देंगे। इन मसालों को वेस्ट नहीं करेंगे। अब मसाले को चलाकर खूब अच्छे से इसको भुनाई करेंगे। इसको तब तक भुनाई करना है तब तक इसमें से तेल सेपरेट ना होने लगे। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा सा टमाटर कट करके, और इसे भी मसालों के साथ चलाकर भुनेंगे। तब तक भुनेंगे टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और हमारा मसाला भी खूब बढ़िया से भून चुका है, दिख रहा है ना। इसमें से तेल भी सेपरेट होने लगा है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए 1.5 कप पानी। पानी यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना पे आपको ग्रेवी रखनी हो। मैंने 1.5 कप इसमें पानी डाली है।
इस टाइम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर ग्रेवी में एक उबाल आने तक वेट करेंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद डाल देंगे फ्राई किया हुआ मछली। एक एक करके सारे पीसेस को डाल देंगे इस तरीका से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मछली को डाल दिया है और इसे हम हल्के हाथों से इस तरीका से मिला लेंगे। मिलाकर इस टाइम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको पकाते हुए 7 से 8 मिनट तक हो गए हैं और खूब बढ़िया से पक चुका है ये। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसको चटपटा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नींबू को काट के इसको निचोड़ के इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे मिला लेंगे। और मिलाकर इसे हम 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि खूब अच्छे से मछली हमारा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार है तीखा और बहुत ही चटपटा सा मछली करी। तो देखें ना फ्रेंड्स, इसको बनाना कितना आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो इस तरीका से रोहू मछली तीखा और चटपटा सा बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आपसे एक मेरा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसमें बहुत ही चटपटा और डिलीशियस रेसिपी लेके आती हूँ। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीका से अपने घर पे ज़रूर एक बार बनाएं, खाएं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही चटपटा और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।